और की होया भाई? कुछ नहीं सर जी, बस माँ की याद आ रही है। और छोटे, याद तो मुझे भी आती है, लेकिन ये धरती भी तो अपनी माँ है। दिवाली गए कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हुए होंगे साहब जी। क्यों, क्या हुआ साहब जी? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बेटे का अपने हाथों लिखा खत आया था। कह रहा था कि पापा, इस दिवाली बम दुश्मन के साथ नहीं, हमारे साथ फोड़ना। बड़ा ही स्वीट है जी। हाँ देखो, रब ने चाहा तो अगली दिवाली घर पर ही मनाएंगे। कश्मीर में 1.5 महीने के लिए ऑपरेशन पर गया था। लौट कर आया तो मालूम पड़ा कि मेरी बेबे मर चुकी थी। तब से मैं इसी माँ की सेवा कर रहा हूं। तेरी तो फिर भी 2 माएं हैं। रो मत, खुश रह, तू फौजी है और फौजी कभी रोता नहीं है। बस यही सोच, इसी सोच की वजह से लोग हमें इंसान नहीं पत्थर समझते हैं। फौजी के दिल थोड़ी होता है, कौन कहता है? कुछ चीज है जो धड़कती? कोई किसी कॉलेज में जाके चिल्ला चिल्ला के माइक पे कहता है कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है और हजारों की तादाद में लोग उसका समर्थन करते हैं। हम कश्मीर में टेररिस्ट मारते हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग उनकी मौत को शहादत का नाम देते हैं। लाखों लोग पेटिशन साइन करते हैं इंटरनेट पे, कहते हैं कि इंडियन आर्मी कातिल है। साहब एक बात याद आ गई, वो कहते हैं ना, जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही नाक बन बैठे हैं हमें ही काट खाने। कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी है। कहते हैं कि घूस दे के आर्मी में भर्ती होते हैं, होकट का राशन खाते हैं। एक तरफ कोई एक्टर कहता है कि किसने कहा था उस 19 साल के लड़के को सरहद पे जाने के लिए, और दूसरी तरफ कुछ लीडर्स आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीत का प्रूफ मांगते हैं। दे ब्लडी डाउन दिस यूनिफॉर्म। प्रूफ? अब हम सबूत दें कि आप सब इतनी आसानी से हर रोज बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे हक मूत लेते? किसके लिए हम यहां खड़े हैं?
इसका मतलब हमारी खबर पक्की थी। वीर जी, सरहद वाली माँ हो या घर वाली माँ, किसी एक माँ को तो बलिदान देना ही पड़ता है। एक काम करो, तलाशी लो। भारत माता की।